वेलकम एवरीवन, मैं आज आया हूँ लेकी शोरूम। लेकी में ये जो शोरूम है किया का, यहाँ पे आपको सेल्टोस जो कार है GTX डीजल में, इसका आपको पूरा रिव्यू डिटेल में बताऊंगा। क्या इसका प्राइस रहने वाला है, क्या इंजन पावर जनरेट करके देगा और ग्राउंड क्लियरेंस फीचर्स ओवरऑल सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल में नया है या पेज में भी न्यू है, फेसबुक में अगर आप हमको देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आप कलर देख रहे हैं, इसे ग्रे कलर कहता है, ग्रेविटी ग्रेवी बोला जाता है। फ्रंट का लुक्स आपको सबसे पहले मैं दिखा दूंगा आपका। इसका जो फ्रंट का लुक्स है काफ़ी एग्रेसिव लुक है। फ्रंट में जो ग्रिल देखने के लिए मिलेगा ब्लैक पियानो कलर के साथ देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरा लाइन से एक क्रोम का लाइनिंग देखने को मिलेगा। कार का लुक्स को फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम देखने में बना देता है। साथ ही साथ सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको किया का सिग्नेचर बैजिंग देखने के लिए मिलेगा। और नीचे की तरफ आपको ये स्किड प्लेट सिल्वर कलर में मिल जाता है देखने के लिए। फ्रंट में आपको सेंसर्स मिलेगा ताकि अगर कभी आप पार्किंग वगैरह कर रहे हैं उसमें आप इजीली कर पाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स जो आ जाते हैं आइस क्यूब शेप में, LED में फॉग लैंप्स देखने के लिए मिलेगा। जो हेडलैम्प्स है, ये हेडलैम्प्स होने वाला है आपको LED में मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका पावर है। साथ ही साथ यहाँ पे जो DRL प्रोवाइड किया गया है, डे टाइम रनिंग लैंप जिसे कहता है, रात के समय में देखने से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और अभी भी मैं आपको जला के भी दिखा दूँ। ये है गाइस DRL, काफ़ी लंबा वाला DRL आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये DRL का बेनिफिट ये है, आपका कार का लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और साथ ही साथ ये सेफ्टी फीचर्स के लिए भी काम आता है। अगर आपका कार दूर से आ रहा है तो दूर से ही देखने में विजिबल होता है, रात हो या दिन हो। तो गाइस ये है इस कार का साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में क्या क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले रूफ रेल्स ब्लैक ग्लॉसी फिनिश कलर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको पैनोरामिक सनरूफ दे दिया गया है। पहले सेल्टोस में आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ आता था, अभी आपको बड़ा सा जैसे जो क्रेटा में आता है वैसे ही यहाँ पे भी दे दिया गया है। यहाँ पे आपको विंडो गार्निश लाइन से देखने के लिए मिल जाएगा। आप आफ्टर मार्केट कुछ भी चीज़ करने का जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे जो डोर हैंडल है ये भी क्रोम कलर के साथ आ जाएगा। ओआरबीएम विथ टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे कैमरा का प्लेसिंग, ओआरबीएम का जो कलर है ये भी आपको बॉडी कलर के साथ ही मैच किया गया है। यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल का मैं बता दूंगा, टायर आपको देखने के लिए मिलता है। ये देखिए डायमंड कट एलॉयज के साथ मिलेगा। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, यहाँ पे किया का बेजिंग दे दिया गया है। टायर साइज है 215x55 जो कि है R18 इंच का। आपका टायर अगर बड़ा है तो आपको ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस इसमें जो की मिलेगा स्मार्ट की, दोनों ही कुछ ऐसा टाइप का मिलने जा रहा है। दोनों स्मार्ट की पहले आपको यहाँ पे बटन वगैरह मिलता था, अभी ये देखिए बटन का स्टाइल पूरा चेंज कर दिया है। देखने में की भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। दोनों ही आपको स्मार्ट की देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है, लॉक अनलॉक एंड यहाँ पे जो होल्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ से गाड़ी को दूर से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये फीचर्स काफ़ी काम आने वाला है। जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप दूर में धूप में खड़ा वाला गाड़ी को आप स्टार्ट कर दिया, AC ऑन होके बैठा, गाड़ी ठंडा हो गया, आप आके बैठ के चला गया, ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला फीचर्स है। यह है इस कार का रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल सबसे पहले आपका नज़र में भी आ रहा होगा इसका जो कनेक्टेड टेल लैम्प। ये कनेक्टेड टेल लैम्प काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखने में भी। ये देखिए काफ़ी लंबा से, अभी ये इस टाइप का जो टेल लैम्प है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ऑटोमोबाइल्स में। हर कार का कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। बीच में आपको किया का जो बैजिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे वाइपर, डिफोगर, हाई स्टॉप टेल लैम्प एंड स्पॉयलर मिल जाता है। ऊपर की तरफ सार्फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो सेल्टोस की बैजिंग लिखा हुआ है, यहाँ आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा, रियर कैमरा। पीछे की तरफ आपको सेंसर्स मिल जाता है। ये सेंसर्स आपको 4 सेंसर्स मिलता है, यहाँ पे एक एंड वहाँ पे दो मिल जाएगा। और ये है आपको रिवर्स लाइट एंड रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलेगा। और कुछ ऐसा सेट यहाँ पे दे दिया गया है ताकि दूर से भी देखने में कार काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे।
पीछे का आपको जो बूट स्पेस है वो भी हम आपको दिखा देंगे एक बार। ये है गाइस इसका बूट स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। 433 लीटर का आपको बूट स्पेस इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक नॉर्मल सा फैमिली के लिए इनफ है। अगर आप कहीं दूर जर्नी करने जा रहा है तो आपका काफ़ी ज़्यादा लगेज वगैरह यहाँ पे इजीली आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बूट लैंप्स प्रोवाइड किया गया है, बूट लैंप्स यहाँ दे दिया, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिया हुआ है। नीचे की तरफ आपको टूल्स किट देखने के लिए मिलेगा, साथ में स्पेयर व्हील्स, ये काफ़ी बड़ा वाला आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है। और साथ ही साथ सामने से ये देखिए, यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट का फीचर्स दिया हुआ है। ये अगर इनकेस अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मैक्सिमम एक्सीडेंट होने से दरवाज़ा नहीं खोल सकते, आदमी का डेथ होता है, तो ये आप इमरजेंसी में यहाँ से अगर आप खोल लेगा चाबी से तो ये ईजिली खोल जाते हैं, तो ये आपका सेफ्टी के लिए। तो चलिए दोस्तों इंटीरियर अभी देखते हैं। इंटीरियर नहीं देखने से पहले आपको हम एक ही चीज़ बताएगा, इस गाड़ी का अगर आपको प्राइस जानना है अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है, आप ऊपर स्क्रीन में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे डोर हैंडल जो मिल रहा है क्रोम, मैंने पहले भी बताया था क्रोम के साथ मिलता है, विद आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर्स है मीन्स इसमें आपको कीलेस एंट्री का फीचर्स दिया गया है। तो चलिए इंटीरियर एक बार आपको दिखाता हूँ। बोलते ही आपको 12-टोन कलर के साथ मिल जाएगा, जो यहाँ पे ये देखिए लेदर जो सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ओल्ड पावर विंडो स्विचेस, जिसमें इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORBM आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल मिल रहा है ये भी सिल्वर कलर में मिलेगा, और जो डिजाइन है काफी ज्यादा यूनिक सा डिजाइन दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंट एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो ब्लैक ग्लोसी फिनिश के साथ जिसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है, ये भी ठीक ठाक है। यहाँ पे और एक खास बात, आपको जो साउंड सिस्टम मिल रहा है बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग, वाटर बॉटल होल्डर, ये है गाइस इंटीरियर, कुछ इंटीरियर ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। सीट आपको लेदर सीट देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा, और ये 8-way पावर एडजस्टेबल सीट्स दिया गया है ताकि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ ऐसा है डैशबोर्ड का डिजाइन, एसी बेंस, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल स्टॉप, एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेबलिंग जैसे फीचर्स दे दिया गया है। तो गाइस कुछ ऐसा है फ्रंट का जो पूरा जो डिजाइन होने वाला है। सबसे पहले मैं स्टेयरिंग से शुरू करूंगा। स्टेयरिंग व्हील आपको डी कट में मिल जाएगा विथ लेदर स्टिचिंग के साथ, ये देखिए लेदर रैप यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स दे दिया गया है, और ये इंजिन है, ये देखिए गियर, आपको गियर ये ऑटोमेटिक वेरियंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे टॉप वेरियंट में डीजल में ऑटोमेटिक है। और इसमें जो पावर जनरेट करेगा आपको क्या पावर मिलने वाला है ऊपर स्क्रीन में आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये देखिए ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल्स जैसे फीचर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। जो डैशबोर्ड का डिजाइन है ना काफी यूनिक सा और प्रीमियम डिजाइन है, आपको देख के ही पता लगेगा, अगर आप यहाँ पे बैठेगा ना आप फील करेगा कितना प्रीमियम है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स है, ये साथ ही साथ जो वर्ना से इंस्पायर हुआ है जैसा लग रहा है हमको, ये देखिए दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही जॉइंट जैसा है। अगर अभी हम गाड़ी स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट करके भी आपको दिखाएगा। और स्टीयरिंग व्हील में फिर से मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल जैसे कि फोन रिसीव कट वगैरह वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से आप कर पाएगा इजीली। एंड दिस साइड आपको क्रूज कंट्रोल्स मिलेगा, और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो चीज़ है सेफ्टी वाइज में एडास लेवल 2 फीचर्स दे दिए गए हैं इस बार सेल्टोस में। और एडास लेवल 2 में क्या क्या कुछ आता है उसके लिए मैं एक बार आपको आपके लिए पर्टिकुलर एक दूसरा वीडियो बना के ला दूंगा, वो एक सेफ्टी फीचर्स है। यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है, लीवर आप नमा के इजीली, टिल्ट स्टीयरिंग है एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको मिल जाते हैं। तो इस सेगमेंट के गाड़ी में आपको इतना ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है तो ज़रूर आप इसमें अगर जा सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा टाइप के SUV के लिए तलाश है तो आप इसमें ज़रूर एक बार जा सकते हैं। गाइस यहाँ पे जो फीचर्स शुरू करेगा हम बताने तो ये खत्म ही नहीं होते गाइस, इतना ज्यादा फीचर्स है। ये देखिए वेंटिलेटेड सीट आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों में वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये देखिए वायरलेस चार्जर का पैड मिलता है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर का फीचर्स दे दिया गया है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC है, यहाँ पे 12-volt का आउटलेट, USB चार्जिंग पॉइंट एंड Type-C to Type-C चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिया गया है। और जो डैशबोर्ड में यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया है हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया है,
साथ ही साथ ग्लोव बॉक्स अगर देखेगा तो आपको डिसेंट सा एक स्पेस देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप जाता है तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ताकि आप एक सिंपल आपका एक फिंगर से आप ब्रेक को यूज कर सकेगा ऑटो होल्ड के फीचर से। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक कुछ छोटा सा कप होल्डर स्टोरेज है, आप अपना की गाड़ी का की वगैरह यहाँ पे इजीली रख पाएंगे। एंड दिस साइड आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, वो भी काफी अच्छा है, बड़ा चौड़ा ठीक ठाक है। ये देखिए आप अपना हाथ इजीली रख पाएंगे। एंड साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा स्टोरेज भी मिल जाता है, ताकि कुछ भी सामान आप यहाँ पे इजीली रख पाएगा। यहाँ पे आप अगर आप देखेगा तो ये देखिए किया कनेक्ट का फीचर्स आपको मिल जाता है, जैसे हुंडई में ब्लू लिंक होता है वैसे इसमें किया कनेक्ट दे दिया गया है। ऊपर की तरफ ये देखिए सनग्लास होल्डर मिलता है, आप अपना चश्मा वगैरह यहाँ पे इजीली रख सकेंगे। रेडी लैंप्स आपको एलईडी में दोनों ही देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ से आप सनरूफ ओपन कर सकते हैं, हम ओपन करके भी दिखाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए, देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये देखिए काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये इसमें आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा, और 360 कैमरा का व्यू भी हम आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए अगर आप राइट तरफ इंडिकेटर करेगा तो यहाँ का कैमरा ऑन हो जाएगा, जो कि आपको डिजिटल क्लस्टर में भी शो करेगा। लेफ्ट तरफ आप इंडिकेटर दिखाएगा तो ये देखिए लेफ्ट तरफ का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पे आपको 360 कैमरा का व्यू भी हम आपको शो कर देता है। 360 कैमरा का व्यू होने वाला है, ये देखिए ये है इस कार का 360 कैमरा का व्यू, जिसमें आपको पूरा दिखाता है रिवर्स आगे पीछे। तो इस सेगमेंट का कार में और जो क्लियरिटी है कैमरा का, ये भी काफी ज्यादा क्लियर है। वापस इसमें शिफ्ट करते हैं और सनरूफ आपको हम दिखाएगा। ये जो ये देखो पैनोरमिक सनरूफ काफी बड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ से इजीली आप ओपन कर सकते हैं वन टच में, जो कि आप वॉइस एनेबल के थ्रू भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए दो लोग इजीली यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके चलिए रियर सीट की तरफ भी एक बार देख लेगा। गाइस रियर सीट में क्या क्या कुछ देखने के लिए मिलता है वो भी दिखाएगा। सबसे पहले आप डोर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सन कर्टेन देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी यूजफुल वाला चीज है। यहाँ पे आपको ड्यूल सेट्स के साथ डोर मिल जाता है, साथ में यहाँ पे जो हैंडल है फ्रंट में जैसे था सेम है, बोस का स्पीकर मिल जाता है, वाटरप्रूफ होल्डर, यहाँ पे सेल्टोस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेल्टोस का वो बेजिंग है। गाइस इसमें जो आपको फुल टैंक कैपेसिटी मिलेगा, जो कि 50 लीटर का फुल टैंक कैपेसिटी मिलेगा, और ये वाला डीजल वेरियंट है, डीजल वेरियंट में आपको 20-21 किलोमीटर वो माइलेज निकाल के दे देगा, जो कंपनी क्लेम करता है। साथ ही साथ चलिए इंटीरियर में एक बार देखता है, तो बैठ के देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए बैठने पे सबसे पहले हम स्पेस का अगर बात करें तो आपको काफी ज्यादा एक अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल रहा है, आप इजीली बैठ पा रहे हैं, काफी कंफर्ट से बैठ पा रहे हैं। मेरा हाइट है 5.6 का, अगर आपका हाइट उससे थोड़ा ऊंचा भी है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, साथ यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैंप्स भी दे दिया गया है, ये देखिए किनार में एलईडी में, ये काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। एंड रियर की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए स्मार्ट प्योर एयर वायरस प्रोटेक्शन, ये फीचर्स है जो है आपका एयर प्यूरिफायर कहते हैं इसे। गाड़ी का अंदर आपको इंटीरियर में एयर प्यूरिफायर दे दिया गया है, ताकि आपका बच्चा हो जो हो बीमार ना पड़े। रियर एसी बेंच प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आपको टाइप सी टू टाइप सी दो चार्जिंग पॉइंट देखने मिलेगा, एक छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है, जो यहाँ पे जो कैपेसिटी है 3 लोग इजीली बैठ के जर्नी का एंजॉय कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हेडरेस्ट दे दिया गया है, तीन जो हेडरेस्ट है तीनों एडजस्टेबल है, आप अपने कन्वीन के हिसाब से इसे एडजस्ट कर पाएंगे। थैंक यू गाइस अभी तक आप अगर हमको देख रहे तो। नेक्स्ट अगर वीडियो आपको किस गाड़ी में वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।